अपडेट सह मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस। आज संध्या रे बसिबो राज्य मंत्री परिषद कैबिनेट बैठक। मंत्री परिषद बैठक रे 2021-22 वर्षर बजेट को मिलिबो मंजूरी। कैबिनेट बैठक रे आसिबो प्राय 25 टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव। मनिकुआक बेले महिलांक बेकरु सुना चेन झांपी नेले दुर्बृत्त। बेकरे कतरी लगाई छिंताई अभियोग। झारपड़ा जेल सामना गळीरु बाइक रे आसे लुटी नेले तीन दुर्बृत्त। तेल चोर को धरवाक जाए हटहट है पुलिस। सादा पोशाक गांव को जाता कर्मचारी को पिला चोर भाव निर्धुम पिटिले ग्रामवासी। अनुगुल बनपाल थाना अंचल आसला अभावन दृश्य। खबर प्रसारण पर भांगा प्रशासन निद। निलंबित हेले नयागढ़ तेंतुलिया पुलिस सेवा समवाय समितर पियन गदाधर साहू। धानमंडी में अनियमितता नहीं अभोग। कार्यालय ताला पकड़े चाषी। उत्तराखंड जलप्रलयर विकटाल रूप। 26 मृत निखोज संख्या 200 ऊपर। अंचल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। निखोज मध्य रही भद्रक अंचल जड़े युवक। जिला प्रशासन को अवगत कले परिवार। प्रफुल्ल विश्वा मृत्यु को नहीं कांग्रेस विस्फोरक बयान। अच्छेद पर चढ़ाई गाड़ी। रमाकांत बराल एफआईआर पुणी प्रताप जेना। फोन कर प्रफुल्ल कहते मंत्री प्रताप जेना फसिली डीजीपी मुझे। धरापुल मृत्युर सुरु हटुनी बरता। 15 दिन पर भी राकेश सहयोगी निकट में पहुंच पारिनी पुलिस। परिवार अभियोग चापी देवा उद्यम करुछि पुलिस। सीबीआई तदंत दावी। एवं राज्य में शीतलहरी जारी। आसंता दुई दिन पर्यंत विभिन्न स्थान में 2-3 डिग्री खसिपे पारद। सर्वनिम्न तापमात्रा 7.5 डिग्री सह फुलवाणी सबुठ ठंडा सहर। आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बस। संध्या 5टा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षत बस बैठक। कैबिनेट बैठक में प्राय 25 गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आसवाक रही। एमएसएमई एसएसपीडी पंचायतराज स्वास्थ्य और साधारण प्रशासन विभाग भाई विभिन्न विभाग क्याडर रूल संशोधन रही। राज्य सरकार पक्षर् आसंता का दिव्यांग मानों पर एक सेंटर अफ एक्सलेन्सी प्रस्ताव रही। बाद विजु पट्टनायक वैषयिक विश्वविद्यालय क्याडर रूल संशोधन रही। राज्य सरकार पक्षर् समीक्षक तथा ऑडिटर सर्विस रूल संशोधन अणाजी जनासह आज राज्य मंत्री परिषद बैठक भी बस। आसंता 2021-22 आर्थिक वर्ष लगी मंत्री परिषद अनुमोदन निया। तेरे 2020-21 आर्थिक वर्ष लगी राज्य बजेट्र आकार 1,61,700 कोटी वृद्धि करोड महामारी अद्यावधि बजेट्र 50% अर्थ खर्च हो पारिना। कोविड निर्माण और भित्तिमि कार्य पछे जाम भाग अर्थ एवं बाबद खर्च हो। चलित बर्ष पौर निर्वाचन और आसंता वर्ष पंचायतराज निर्वाचन रही। दृष्टि रखी कर्मचारी दरमा बाबद प्रशासनिक खर्च को बाद दे स्वास्थ्य भित्तिमि सुदृढ़ करने को बजेट प्राथमिकता दिजार संभावना रही। दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन जोड़ी। दिव्य जो भाई भाव आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बस तेज बैठक में क्यों सब विषय में आलोचना कौन रही तथ्य देखो निवेदिता आज संध्या 5टा समय राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बस। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बैठक बस सब मंत्री बैठक में उपस्थित रहिबे। जानते आज देखिए जो बैठक बस 25 गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर बाजवा को जहाँ सूचना रही जो थे विभिन्न क्याडर रूल शासन करमी डिपार्टमेंट हू एसएसपी डिपार्टमेंट हू पंचायतराज डिपार्टमेंट हू कि स्वास्थ्य और साधारण प्रशासन विभाग विभिन्न क्याडर रूल को शासन करा सहित दिव्यांग मानी गोटे सेन्टर अफ एक्सलेन्स प्रस्ताव रही। आउ गोटे बड़ कथा हूँ जो बीपीयूटी र क्याडर रूल थिला संशोधन करें गोटे प्रस्ताव अणा डीपीट क्याडर रूल को संशोधन कर सहित आप देखिए ऑडिटर सर्विस रूल संशोधन सूचना मिली। आउ गोटे बट देखिए आप जेहेतु आसंता 18 तारीख में बजेट अधिवेशन आरंभ हो 22 तारीख में बजेट आगत हो विधानसभा अर्थमंत्री बजेट आगत करेंगे से दृष्टिकोण रु आज मंत्री परिषद बैठक रही। मंत्री परिषद बैठक में जो 2021-22 वर्ष लगी बजेट चिठा प्रस्ताव को आज अनुमोदन करृहत करकलन कर 85,000 कोटी टकर बजेट को आज बजेट चिठा प्रस्ताव को गोटे प्रकार अनुमोदन देवे। मंत्री परिषद बैठक अनुमोदन देवे
ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ କଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରାଯିବ, କିଭଳି ଏହାପରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଯୋଉ 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 50% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିନି, ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ କରୋନା ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତି, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟପଟେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ, ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆଗକୁ କିଭଳି ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଣାଯିବ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ତାହା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସରକାର ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନିବେଦନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ। ତେବେ ପାଖାପାଖି 25ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଗଳିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ୟାମା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ବେକରେ କଟୁରୀ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ତେବେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ନେଇ ମନୋରମା ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଏ, 7ଟା ବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ସେ 3 ଜଣ ଶ୍ୟାମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଳିରେ 3 ଜଣ ପିଲା ବାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣି ହେଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ କଟୁରୀରେ ବାହାର କରିକି ଆସିକି ମୋ ବେକ ପାଖରେ ଲଗେଇକି ଚେନ୍ ଦେ ବୋଲି ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ତଳେ ପକେଇଦେଲା ଏବଂ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଛି, ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ନେଇକିନି ପଳେଇଗଲେ। ପୁଣି କିଛିଦିନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 6 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା 7 ପଇସା, ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା 2 ପଇସା, ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା 8 ପଇସା, ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ବସ୍ କିଲୋମିଟର ପିଛା 2.17 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଟୋ ମେକାନିଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 74 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାହା 80 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 77 ରୁ 84 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅପରପଟେ ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 1.09 ରୁ 1.11 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା 1.31 ରୁ 1.39 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ସେହିପରି ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ବସ୍ ଭଡ଼ା 2.17 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ ଭାର ବଢ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସେ କମେଇଲେନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ନ କମିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବସ୍ ଚାଲି ହେଉନି, ଏଇଟା ପାଣିରେ ତ ଚାଲୁନି ତେଲରେ ଚାଲୁଛି, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍ ପଡ଼ିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିବ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛୁ। ଏବେ ବି ଆମର ପୁରୁଣା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ଟିକସ କମେଇ ଦିଅନ୍ତେ ବସ୍ ଫେୟାର ଏତେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ରେଞ୍ଜ ସରଗଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାଟମକ ଟୁଙ୍ଗୁର ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଶାବକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାତ୍ର 6ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ସହ ତା ମା ହାତୀ ଶାବକକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଜନ୍ମିତ ହାତୀ ଶାବକ ଚାଲି ନ ପାରିବାରୁ ହାତୀପଲ ସାଥିରେ ଯାଇ ନ ପାରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଶୋଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଶାବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦାରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସହିତ ଏସ୍ଡିଆର୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଇ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହାତୀ ଶାବକର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାତୀ ଶାବକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଶୋଇ ରେଞ୍ଜର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
गाँ मुहां हेला बाघ। नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी ब्लॉक अंतर्गत गदाबा कतरा ग्रामर दुर्जन हरिजन एवं लाइबान हरिजन दुई बाछुरी छुआ को आक्रमण करितबा अभियोग होईछि। यासो ग्राम निकटस्थ एक आंब बाड़े कलरापत्रिया बाघ को देखिथिबा कहिछंती ग्रामवासी। गदबा कतरा ग्रामर 200 रु ऊर्ध लोक ठेंगा बाड़े धरी बाघ को घोड़ाइबा पई उद्यम करिछंती। ग्रामवासी सह मैदलपुर वन विभाग मध्य बाघ को काबू करिबा पई घटनास्थल रे जगी रहिछि। महंगा डबल मर्डर घटनार मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल उर्फ काबुआ मृत्यु को नहीं सृष्टि होई बड़ प्रश्न। मंत्री प्रताप जेना भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई विरोधी सेपटे नहीं प्रश्न पचारे डीजी मुहरे तुंडी। उठुची पड़ुची राज्य गोटे पर गोटे गड़ुचे मुंड अशांत तो महंगा हेले एने प्रश्न पचारे पुलिस मुखिया केमिति मुह बुलाई चली जाउ थे देखु कहीं मुह खोलुना पुलिस डीजी अभे के अदृश्य चाप मुहरे लगाई तुंडी। राज्य में आईन श्रृंखला विपर्यस्त गोटे पर गोटे हत्याकांड घटी जाते पुलिस मुखिया नीरवता बड़ प्रश्न सृष्टि कर 2021 मसीहा जानुरी 2 तारीख में भांगार कुलमणि बराल और दिव्यश्य बराल डबल मर्डर घटनार मुख्य अभियुक्त थे प्रफुल्ल विश्वाल उर्फ काबुआ। हेले कटक अंचल रही पुलिस गिरफ कर शेष मृतदेह जबत कर घटना एक हत्याकांड विरोधी अभियोग कर पुलिस नीरवता बड़ किंतु सृष्टि कटक्रु इमरान खान रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तेल चोर को धरवा जा हड़ड़ घड़े पड़ा पुलिस सादा पोशाक गांव को जाता पुलिस को पिला चोर भाव निर्धुम पिटिले ग्रामवासी। एभली को अभावनीय घटना घटी अनुगुल जिले में जिलार बनपाल तेल चोरी होता नहीं अभियोग होता अभियोग को भित्तिक बनपाल थानार किसी पुलिस कर्मचारी चोर धरवा जाता बेले पुलिस को पिला चोर भाव आक्रमण करते ग्रामवासी संगबद्ध भाव ग्रामवासी माने पुलिस ऊपर को आक्रमण करने फल प्राय 4 जन पुलिस कर्मचारी आहत होती सेपटे पुलिस माने व्यवहार कर गाड़ी को मध्य भांगिरुजी देखते ग्रामवासी। एभली स्थले पुलिस पखापाखि 18 जन को थाना आनी अटक रखी। तेबे तेल चोर को धरवा जा हड़घणारे पुलिस आधा पोशाक गांव को जाता बेले पुलिस को पिला चोर भाव निर्धुम पिटिंट ग्रामवासी। तेबे घटना सामना को आसी अनुगुल जिलारो जोठारे कि जिलार बनपाल जगार तेल चोरी होता नहीं अभियोग होता तेज अभियोग को भित्तिक बनपाल थानार किसी पुलिस कर्मचारी चोर धरवा गाँ को जाते जोठारे कि पुलिस को पिला चोर भाव ग्रामवासी अटक रखी पुलिस को निर्धुम माड़ मारी सहित तो गाड़ी को भी भंगारुजा कर सूचना आसुच। तेबे तेल चोर को धरवा जा हड़घणार पुलिस पड़ी जो थे कि पुलिस को ग्रामवासी आक्रोश शिकार होगा पड़ी जेहेतु ग्रामवासी पुलिस अधिकारी मानक पिला चोर भाव निर्धुम माड़ मार। तपन दास आम अनुगुल प्रतिनिधि फोन लाइन जोड़ तपन
जो चित्र सामना को आसुच्छे निहाती भाव में दुखद विषय जे पुलिस जोबले लोक अभोग नहीं सेठाक जाता किंतु जेहेतु सादा पोशाक पुलिस था हेत तो ग्रामवासी जापारी ना ये जो अभावन चित्र सामना को आसला बर्तमान सुधा पुलिस क्या अटक रखी कि निश्चित रूपये देखो बर्तमान जहाँ लाटेस्ट अपडेट अच्छे एनिबिलटा ये घटना क्रम जेहेतु यह अनुगुल ढेंकाना जिलार सीमार घटी विशेष भाव प्राथमिक स्तर में जेहेतु अनुगुल जिलार बार बार पुलिस पक्ष पदक्षेप निया तेज परवर्त समय जहाँ लाटेस्ट अपडेट अच्छी से गाँव पखापाखि अठर जन को पुलिस अटक रखी थाना कंटाबणिया थाना ढेंकाना जिलार कंटाबणिया थाना से समस्त को अटक रखा जाइछि एवं गाँव में वर्तमान चापा उत्तेजना लागि रहिछि व्यापक भाव मात्रा पुलिस मुतयन होइछन्ति पाखापाखि दुई प्लाटून पुलिस मुतयन होइतबाय नै जहाँ आलोचना जो चित्र आड़ मार गाड़ी भांगी देखते प्राथमिक स्तर अनुगुल जिलार तेरे तपन दास आम अनुगुल प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी जहाँ से कहते कि निहती भाव में जो अभावन चित्र सामना को आसी भाव में एक विडम्बनार विषय जे ग्रामवासी पुलिस को चिन्ह नपारि निर्धु माड़ मार सहित जो भाव गाड़ी को भांगी देखते जो पखापाखि अठर जन को बर्तमान सुधा थाना अटक रखा जाए कार्यानुष्ठान पुलिस पक्ष सूचना आसुच अर्गसर महाप्रभाव खबर प्रसारण पर भांगा प्रशासन निद निलंबित तो हेले तेंतुलिया पुलिस सेवा समवाय समितर पियन गदाधर साहू नयागढ़ जिला खंडपड़ा ब्लॉक अंतर्गत बेणागाड़िया पंचायत तेंतुलिया पुलिस सेवा समवाय समिति में खोली धान मंडी में अनियमितता नहीं बारंबार अभियोग होता किंतु एने विभाग उच्च कर्तृपक्ष और जिला प्रशासन कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करुन यार प्रतिवाद में स्थानीय अंचल चाषी सेवा समवाय समिति कार्यालय में 20 दिन तले ताला पकाई और धान किणा संपूर्ण बंद होता जहाँ गत 3 तारीख दिन अर्गस खबर प्रसारण होता चाषी नारे 49 धान बिक्री करुवा नहीं अभियोग करते तेंतुलियापल्ली गाँव चाषी मंडी आरंभ होगा दिन ठारूली जालियाती चलता नहीं अभियोग होता संवाद समितर पियन गदाधर साहू सबु घोटाला संपुक्त नहीं चाषी कही तेज खबर प्रसारण पर नयागढ़ विभिन्न अधिकारी गत 5 तारीख में तेंतुलियापल्ली सेवा समवाय समिति कार्यालय परिदर्शन करते चाषी मैंने करोगर सत्यता थिबा नै प्रशासनिक अधिकारी जानिबा परे समिति दायित्व रे पियन गदाधर साहू को चाकरीरु निलंबित करा जाय छे। मंडीरु धान न उठिले आत्महत्या करबा को चेतावनी देछन्ते चाषी बरगढ़ जिला विजयपुर ब्लॉक मुंडे मोहलो ग्रामरु एभली खबर सामना को आसी वर्तमान समय धान मंडी गुड़िक व्यापक अव्यवस्था होतिबारु नजर रही छे मास मास धरी टोकन थाई मध्य धान बिक्री करी न पारिबा जोकु चासी कुल हताशवा स्वाभाविक अनेक योग्य चासी निजर कष्ट उपार्जित धान को बिक्री करबा पाई सबु प्रचेष्टा रे विफल हेबा परे आत्महत्या करबा पाई चेतावनी देछन्ते चलित खरीफ ऋतु रे अमल करितबा धान को मंडी रे बिक्री करबा पाई मंडी को धाई धाई हैरान होई जाइछन्ते ससुर उपजिलापालन को कार्यालय रे लिखित भाबे अनुरोध करछन्ति धान बिक्री नहले चाषी परिवार प्रतिपोषण रे असुविधा होतिबारु आत्महत्या करबा पई निष्पत्ति नैछन्ते पद्मपुर उपजिलापाल एने विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा पूर्वक धान बिक्री करबा पई अनुमति प्रदान करंतु बोली बुद्धिजीवी महल रे चर्चा होउछि। ओडवा थाना कोटाबा पंचायत जाड़ी गाँव में अभावन घटना गुड़ी सन्देह जनक गुड़िकी हत्या उद्यम लक्ष्य भ्रष्ट पर पुणी तीन जन मिसी मुंडरे पत्थर छिची हत्या उद्यम करते अल्पके बर्ती जाइछन्ती अभियोगकारी एने ओडवा थाना लिखित अभियोग होइछि अभियोगकारी होउछन्ती जाड़ी गाँव डंबरुधर माझी तबे आक्रमणकारी होउछन्ती सही गाँव प्रमोद माझी अन्य दुई जन को चिन्ह पारि नाती अभियोगकारी तबे डंबरु जाड़िंग ग्रामर निकटस्थ कड़बाबाड़ी चर्च रे
पूजा पाठ करुथिले किंतु किछि मास तळे उक्त जाडी गाँव प्रमोद माझी को 9 मास पुओ कोनोसी कारणरु मृत्युवरण करथिले किंतु ग्रामर सभा करी प्रमोद को पुओ को डंबरु गुणी करी मारिछि बोली अभिजोग करथिले। सबेठारु तिक्तकता लागि रहिथिला किंतु गतकाली सकाळे डंबरु कोडाबाड़ी जाउथवा समय रे पूर्व योजना मुताबक प्रमोद एवं तांको दुई सहयोगी डंबरु उपरकु गुळी चाळना करथिले हेले गुळी न बाजिबारु बाइक रे बाजिथिला फळरे घटनास्थळे डंबरु पड़जवा फळरे तीन जन मिसी डंबरु को मुंड रे पत्थर चेची हत्या उद्यम करथिले। देवभूमि उत्तराखंड रे हिमस्खलन जोगु अलकानंदा और धौली गंगा रे देखा जाइथिबा आकस्मिक बन्या रे मृत्यु संख्या 26 को वृद्धि पाइछि। आसो ए घटना रे निखोज को संख्या 202 को वृद्धि पाइथिबा प्रशासन पक्षरु आकलन करा जाइछि। निखोज को उद्धार करबा लागि आईटीबीपी सेना एनडीआरएफ एसडीआरएफ पक्षरु व्यापक तलाशी जारी रहिछि। चामोली जिलार तपोवन सुडंग मध्ये मिलित बाहिनी पक्षरु उद्धार कार्य को जोरदार करा जाइछि। 250 मीटर लंब एही टनेल को टनेल रो पंक कादुआ बाहर करा जाइछि। टनेल मध्यरे 24 रु 25 जण शनिवार थारु फसि रहिथबा बेले सेमानक संपर्क रे कोनोसी सूचना मिलि पारि नाही। निकोज व्यक्तिक मध्यरु 170 जण श्रमिक हे श्रमिक माने एनटीपीसी ओ रशिगंगा पावर प्लांट रे कार्य करथिले। उद्धार मृतदेह मध्यरु मात्र 2टि को चिन्हट करा जाइछि। मृत संख्या आहुरी वृद्धि पाइबा आशंका रहिछि। सेपटे देवभूमि उत्तराखंड रे होइतिबा हिमस्खलन रे चांदबाली ब्लॉक रो जणे व्यक्ति निखोज थिबा जणा जाइछे। जिल्लार बांसुरा थाना कुदोकांथी ग्राम रो नागार्जुन दास निखोज थिबा जणा पडिछे। से उत्तराखंड थारे थिबा ऋषिगंगा पावर प्रकल्प रो तपोवन रेणी ब्यारेज रे इलेक्ट्रिशियन भाबे कार्य करथिले। नागार्जुन को सह परिवार लोके जोगाजोग करथिले मध्य कोनोसी सूचना मिलि पारि नाही। समय सरी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।